कमियां तो होंगी तुझ में, जरा ये भी सोच कि मुख चाहे श्याम 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 नाम गावे है, कि मुख चाहे श्याम 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 नाम गावे है, और नहीं चाहूं कछु और सुख, मोहे बस श्याम सुख भावे है। कि नब जावे भाल जब मस्तक, कि नब जावे भाल जब प्रभु के पद रज, फिर भाल कहूं और नहीं नब पावे है, और नहीं नरब दा मैया ऐसी बहिरे, ऐसी बहिरे जैसे बह रही दूधा की जा धार रे, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी हे श्याम प्यारी। कार बुंदेली दर्पण में स्वागत है आपका, और इस वक्त हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के खजुराहो में, अंदराहो, जहां पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। यूं तो तमाम दावे किए जाते हैं कि क्षेत्रीय प्रतिभाओं को भी मंच यहां मिलता है, और तमाम तरह की प्रतिभाओं को मंच देकर उनकी प्रस्तुतियां कराई जाती हैं, लेकिन कई प्रतिभाएं ऐसे भी हैं जो मंच तलाशती घूमती हैं, भटकती हैं, लेकिन उन्हें उनका उचित मुकाम नहीं मिल पाता है। एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसी ही प्रतिभा से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो हद टैलेंटेड है यूँ कहेंगे, और रचनाकार भी हैं, और उनसे ही जानते हैं उनके बारे में और क्या स्ट्रगल कर रहे हैं वो। फिलहाल जो बैकग्राउंड हम आपको दिखाना चाहें, ये जो 9वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का जो कैंपस है वहाँ हम खड़े हैं, और सामने ही जो यहाँ पर किफ जो है शुरू होने वाला है, आज दूसरा दिन है, और इस दूसरे दिन में आज क्या प्रस्तुतियाँ होने वाली हैं, क्या होगा वो कुछ देर बाद हम आपको उससे भी रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले आपका परिचय जाने, गुड़िया क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अभिलाषा पटेल है। जी अभिलाषा, क्या टैलेंट है आपका, क्या करती हैं आप, किस तरह से मंच चाहिए था आपका, क्या कोशिश की? हाँ, मैं संगीतकार भी हूँ, मैं संगीत शास्त्रीय संगीतकार भी हूँ, और मैं लिखती भी हूँ, कवित्री भी हूँ। तो मेरा ऐसा था कि मैं चाहती थी कि मुझे कविता बोलने का यहाँ पर मौका दिया जाए, जो मैं अभी रचनाएँ लिख रही हूँ। तो सभी लोग अपनी अपनी प्रतिभाएं दे रहे हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि मुझे, मैं जो लिखती हूँ उसका मौका मिले मुझे। जैसे आपने बताया आप संगीतकार हैं, तो क्या कहीं संगीत सीखा है जी? कहीं कहाँ सीखा आपने, कहाँ शुरुआत की? प्रॉपर मैं राजनगर से ही हूँ, राजनगर तहसील से, तो मैंने वहीं से शास्त्रीय संगीत कम्प्लीट किया है पूरा, प्रभाकर जो मेरे गुरु जी हैं, तो मैंने उनसे सीखा। तो फिर मेरे अंदर एक प्रतिभा और मुझे दिखाई दी कि मैं शायद लिख भी सकती हूँ, तो मैंने लिखना प्रयास किया। तो सोशल मीडिया के माध्यम से तो मैं अपना जो भी है मैं दिखाती हूँ, लेकिन एक प्लेटफॉर्म की जैसे ज़रूरत होती है कलाकार को आगे तक जाने के लिए, तो मैं चाहती थी कि मुझे अपने ही क्षेत्र का मंच मिले। जी, तो किस तरीके से आप इस मंच को एक क्लासिकल सिंगर के तौर पे, एक शास्त्रीय संगीत गायक के तौर पे प्रेजेंटेशन अपना चाहती थी, या एक रचनाकार के तौर पे, कवि के तौर पे? रचनाकार, कवि। पहले रचनाकार से ही मिल लेते हैं, कुछ खास आपका जो आपने सोच रखा होगी इस मंच पे अगर गए तो ये सुनाएंगे। जी, मैंने अभी एक रचना फिलहाल में लिखी थी, मैंने कवि कृष्ण भक्त भाव में लिखी थी कि जब एक भक्त होता है तो वो कृष्ण जी के प्रति या किसी भी ईश्वर के प्रति उसका भाव होता है कि सेवा के प्रति, वो पूरी सेवा भगवान में चाहता है। तो मेरी ये रचना है कि जब भक्त का पूरा शरीर का प्रत्येक अंश क्या चाहता है, प्रभु की सेवा में सुख चाहता है, तो प्रत्येक अंश कैसा सुख चाहता है, मैं इसी रचना में व्यक्त करती हूँ कि मुख चाहे श्याम 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 नाम गावे है, कि मुख चाहे श्याम 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 नाम गावे है, और नहीं चाहूं कछु और सुख, मोहे बस श्याम सुख भावे है। कि नब जावे भाल जब मस्तक, कि नब जावे भाल जब प्रभु के पद रज, फिर भाल कहूं और नहीं नब पावे है, और नहीं चाहूं कछु और सुख, मोहे बस श्याम सुख भावे है। कि चाहे नेत्र हर क्षण, चाहे नेत्र हर क्षण दृष्टि जावे जहाँ तक, सम्मुख बस श्याम श्याम पावे है, और नहीं चाहूँ कछु और सुख, मोहे बस श्याम सुख भावे है। कि श्रुतिपट, कि श्रुतिपट बस एक धुन भावे है, श्रुतिपट बस एक धुन भावे है, कि धुन सुन श्याम श्याम बड़ा सुख पावे है। क्या बात है, आपने बताया कि आप शास्त्रीय संगीत भी सीखती हैं, एक मोटिवेशनल सॉन्ग भी कोई आपने अभी सुनाया था, एक कविता हमारे साथी पत्रकार, हाँ, वो भी सुनना चाहेंगे क्या? हाँ, मैंने रचना लिखी थी कि बहुत विद्यार्थी हैं, जैसे मैं भी अभी अभी संघर्ष में ही लगी हूँ, अभी सफलता नहीं मिली है, चल रही हूँ उसी क्षेत्र में, तो उन्हीं के लिए एक मोटिवेशनल है कि बहुत सारी परिस्थितियाँ आएंगी, लेकिन उससे हमें डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। उनके लिए है,
लोगों का काम लोगों में कमियों को ढूंढना। क्या बात। लोगों का काम लोगों में कमियों को ढूंढना। कमियां तो होंगी तुझ में जरा ये भी सोचना। आया था जैसे जग में तू आए है वैसे हम। आया था जैसे जग में तू आए है वैसे हम। फिर भी जाने करता है किस बात का घमंड। लोगों का काम लोगों में कमियों को ढूंढना। लोगों का काम लोगों में कमियों को ढूंढना। कमियां तो होंगी तुझ में जरा ये भी सोचना। थोड़ा समय लगेगा सफलता के मोड़ में। थोड़ा समय लगेगा सफलता के मोड़ में। जीतेंगे मगर रह के अपने उसूल में। जीतेंगे मगर रह के अपने उसूल में। क्या बात है। निश्चित तौर पे ये लाइनें मोटिवेट करने वाली हैं। जैसे आपने बताया कि आप शास्त्रीय संगीत में प्रभाकर हैं, कोई क्लासिकल रचना आपकी या कोई क्लासिकल सॉन्ग जो आपको बेहद पसंद हो? भजन लाइन में ही चल रही है। चलिए तो भजन ही सुना दीजिए। स्वागत है। तो मैं दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगी। नर्मदा मैया ऐसी बहे रे। नर्मदा मैया ऐसी बहे रे। ऐसी बहे रे जैसे बह रही दूधा। क्या कर रही हैं अभी एजुकेशन लाइन में? एजुकेशन में मैं एक टीचर भी हूँ, प्राइवेट टीचर हूँ मैं। सरस्वती हाई स्कूल राजगढ़ विद्यालय में पढ़ाती हूँ। किस की अगर बात करें तो किस में कितना संघर्ष किया है, क्या सपना था किस में? आप हमें बहुत संघर्ष करते दिखनी है प्रस्तुति के लिए, क्या किसी से मुलाकात हो पाई, कोई माध्यम मिला? ऐसा रहा कि मैं कई बार बुंदेला होटल भी गई, दो तीन बार मैं वहां गई तो उन लोगों ने बोला कि शिल्पग्राम में मेरी बुंदेला सर से मुलाकात हो जाएगी। नहीं हुआ, फिर काफी लोग सर से परिचित हुआ, वो बोले फिर से वहाँ जाओ। तो ऐसा आज यही मुलाकात नहीं हो पाई आपकी? चलिए, हुई थी। एक सर है, नाम मुझे याद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक लोगों के लिए है गायन और नृत्य। तो मुझे ऐसा कहीं ना कहीं महसूस हुआ कि क्या काव्य पाठ एक कला नहीं है क्या? क्या हमें मौका नहीं मिलना चाहिए? उन्होंने बोला है कि यहाँ सिर्फ नृत्य और गाने के लिए, हाँ सिंगिंग के लिए आपको। तो आपको नहीं लगता कि आपको इन कविताओं को गीत के माध्यम से ही एक गीतकार के तौर पे प्रस्तुत कर देना चाहिए? बिल्कुल चाहती हूँ, मुझे तो अपनी प्रतिभा दिखानी है और माध्यम चाहती हूँ मैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कहते हैं सागर में न मोती न लालों की कमी है, बस कमी है तो खोजने वालों की कमी है। बेशक ऐसे मंचों पर बहुत सारी प्रतिभाओं को मंच मिलता है, लेकिन तमाम सारी प्रतिभाएं ऐसी भी हैं जिन्हें संघर्ष करने के बावजूद भी उचित मंच नहीं मिल पाता और उस कला को वो उस मंच तक नहीं पहुंचा पाते और कहीं ना कहीं उनकी कला धूमिल हो जाती है। लेकिन ये जो रचनाएं हैं वो उस मुकाम तक पहुंचे जहां इन्होंने सोच रखा है, संजो रखा है। हम भी अपने माध्यम से अपील करेंगे इस आयोजक से और अन्य ऐसे आयोजकों से जो भी ये वीडियो देखेंगे, ऐसे कलाकारों को अगर आपके पास मंच है तो निश्चित तौर पर वो मंच उपलब्ध कराएं और इनकी कला को असली मुकाम तक पहुंचाएं।